हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकीशास कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी। कोकोनट कुकीज़ को घर पर आसानी से कैसे बनाएं बिना ओवन के, बिना माइक्रोवेव के, तो इसकी रेसिपी आज को मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इजी इसकी रेसिपी है और कम इसको कढ़ाई में बनाएंगे, एकदम बाहर जैसे मेरी कोकोनट कुकीज़ बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, एकदम खस्ता इसका टेक्स्चर देखिए, देखने में से पता चल रहा है एकदम खस्ता हमारी कोकोनट कुकीज़ बनकर रेडी होंगी, वो भी कढ़ाई में। तो चलिए इसकी रेसिपी आपको शुरू करती हूँ। एक बोल में मैंने 3 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है। ये थोड़ी सी जमी हुई फॉर्म में लेना चाहिए हमें, थोड़ा मेल्टेड नहीं लेना है, थोड़ा जमा हुआ ही होना चाहिए, सॉफ्ट। तो इसको हमें फेंटना है, इसका कलर चेंज होने तो मैं इसको फेंटना है घी को, एकदम मैं इसको स्पीड में करके दिखा रही हूँ आपको। तो इसको बहुत अच्छे से हमें इसको कलर चेंज होने तक इसको घी को फेंटना है। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा पीला था और हल्का सा लाइट येलो हो गया है। तो इसको हमें कलर चेंज होने तक इसको फेंटना है बहुत अच्छे से। देखिए इसका कलर चेंज होता रहा है, जिस हिसाब से फेंट रही हूँ मैं इसको जल्दी करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ये देखिए हो गया ना इसका कलर चेंज, इसको इतना अच्छे से हमें इसको फेंटना है। अब इसमें मैंने 3 चम्मच घी लिया था, मैं इसमें 6 चम्मच 6 बड़ी चम्मच मैं इसमें पाउडर शुगर ले रही हूँ। पाउडर शुगर चीनी को आप घर पर पी सकते हैं, पाउडर शुगर बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसको हमें मिक्स करना है अच्छे से। देखिए इसको भी हमें अच्छे से फेंटना है, एकदम हमें क्रीम के फॉर्म में लेकर आना है इसको। इसके लिए मैं थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच इसमें दूध डाल दिया है ताकि अच्छे से फेंट सकूँ मैं इसे। तो इसको अच्छे से हमें फेंटना है, एकदम क्रीम की फॉर्म में लेकर आना है। ये देखिए इसका भी कलर एकदम चेंज हो जाएगा हम फेंटते जाएंगे तो, और एकदम क्रीम के जैसा हो जाएगा। ये देखिए चेंज होता जा रहा है, देखिए एकदम कलर इसका वाइट हो जाएगा एकदम। ये देखिए एकदम क्रीम की फॉर्म में इसको ये बन जाएगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, ये हमारा मेन काम है इसमें, हमें इसको फेंटना है घी को और इसको हमारे चीनी पाउडर शुगर को। देखिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मेरी न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिले। देखिए हमारी जो है वो फिट गई अच्छे से। अब मैं इसमें 1/2 कप मैदा डाल दूंगी। अब हमें इसको अच्छे से चम्मच से मिलाना है, बहुत ज़्यादा हमें गूंथना नहीं है इसको, सिर्फ मिक्स करना है। और 1/4 कप मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि गोले का बुरादा मैं इसमें ले लूँगी। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें 3 छोटी चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, जो वनीला फ्लेवर में आता है ना वही। ये देखिए 3 छोटी चम्मच है ये, तो मैं इसमें मिक्स करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मेरी कुकीज़ में। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अगर आपके वनीला एसेंस हो तो वो भी डाल सकते हैं 4-5 ड्रॉप। और इसमें थोड़ा 1 पिंच आप इसमें सॉल्ट डाल लीजिए, इससे कि बहुत मीठा मीठा सा ना लगे, बोरिंग ना लगे, तो इसलिए 1 पिंच आप इसमें सॉल्ट डाल लीजिए। और ये देखिए इसको मैं ज़्यादा गूंथ नहीं रही हूँ, असल में इसको इकट्ठा करना है हमें इसको। अब इसको हल्का तो इकट्ठा करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध का यूज़ करेंगे, 2 से 2.5 चम्मच दूध इसमें जाएगा। ये देखिए इसको हमें इकट्ठा करना है बस अच्छे से। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, जिससे कि हमारा बेक बहुत अच्छे से, कुकी हमें बेक बहुत अच्छे से हो पाए। ये देखिए मिला लीजिए अच्छे से इसमें बस। अब मैंने ये पन्नी ले ली है ये, ताकि मैं रोल करके रख सकूँ इसको, हम इसको रोल कर लेंगे अच्छे से। और इसको मैं रैप करके रख दूंगी अच्छे से, जो टॉफी की शेप होती है ना हमारी, वैसे ही हमें इसको करके रख देना है। और इसको हमें कम से कम 15 से 20 मिनट हम इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, ताकि मुझे सेट हो जाइए। देखिए जो टॉफी होती है उसको रैप कर दीजिए अच्छे से, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसको फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसको निकाल रही हूँ, ये सेट हो जाता है 15 से 20 मिनट, ये देखिए सेट हो गया ये। अब मैं इसकी कुकीज़ को कट कर लूँगी। ये देखिए इक्वल शेप में इसको काट लीजिए, अगर आपका कुकी कटर हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। ये देखिए
इसको अच्छे से शेप में ले लीजिए, गोल गोल कर लीजिए हाथों से अच्छे से एकदम इक्वल इक्वल। बस सारी कुकीज़ को हम इस तरह से बना लेंगे कट करके इक्वल, हमें इक्वल पार्टीशन में करना था कि इक्वल इक्वल हमारी कुकीज़ बनकर रेडी हो जाएं। ये देखिए मैंने सारी कुकीज़ को बना लिया है हाथों से, इसको हाथों की हेल्प से इसको गोल गोल कर लीजिए अच्छे से। अब मैं इसको बेक करूँगी तो मैंने इसके लिए एक प्लेट ले ली है, उस पर ऑयल को ग्रीस कर लीजिए थोड़ा सा ताकि हमारी कुकीज़ जो है नीचे से आराम से निकल आए। अब इसको कुकीज़ को आप इस पर रख दीजिए, सेट कर लीजिए, थोड़ी दूरी पर ही रखिए क्योंकि बेक होके इनका साइज़ बढ़ जाएगा, जितनी है उससे डबल हो जाएगा इसका साइज़। मैं आपको दिखाऊंगी बेक करने के बाद। बस मैंने कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे और अब मैं इसको रख रही हूँ। कढ़ाई को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है बेकिंग के लिए, तो अब मैं इसको रख रही हूँ बेक करने के लिए। 20 से 25 मिनट के बीच में आप इसको चेक करिएगा और देखिए हमारी कुकीज़ बनकर रेडी हो जाएंगी। और ये देखिए हमारी कुकीज़ बनकर रेडी हैं। और आप इसको फिर भी इसको कढ़ाई ठंडा होते उसको ढककर रख दीजिए जब भी ठंडी हो तो उसके बाद निकालिए। और ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, ये देखिए नीचे से एकदम ब्राउन हो गई हमारी कढ़ाई में, हमारी कुकीज़ का कलर ऊपर से हमारा ब्राउन नहीं हो पाएगा क्योंकि कढ़ाई जो है एकदम से अच्छे से बेक कर तो देती है मगर कलर जो टेक्सचर है वो ओवन में ही अच्छा आता है, मगर हमारे खाने का स्वाद एकदम बाहर जैसे कुकीज़ का होगा। इसका एकदम क्रंची हमारी कुकीज़ बनकर रेडी हुई है। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।